नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 29 इयर्स है और इस पाम को देखे तो वर्तमान समय इनके लिए अच्छा नहीं है। इनका प्रॉब्लम केवल फेट लाइन पर प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम इनके हाथ पर दिख नहीं रही है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अच्छी खासी ये सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस पाम को देखे तो यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पर चौड़ाई कम है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते जीवन में या पार्टनरशिप करने का ज़्यादा सोचते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है और उंगलियाँ छोटी है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। फास्ट निर्णय लेने वाले होते और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते। छोटी उंगली फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुंच रही, ये उंगली का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। ये जो 6 वस्तुएं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सबसे बड़ा कमजोरी रहता है। ये उंगली पैसा तो कमा के दे देती है, पैसा कमाने में कभी रोकती नहीं, पर मनी मैनेजमेंट कमज़ोर होता, अकाउंट्स कमज़ोर होता है। डॉक्यूमेंट आज नहीं, सामने पड़े होंगे बाद में रख देते, कल रख देंगे, इस तरह की मानसिकता होती है। जब समय पर ढूंढने बैठे तो मिलेगा भी नहीं, याद भी नहीं आएगा कहाँ रखा है। तो ये प्रॉब्लम इनके जीवन में रहती है। बुध पर्वत पर देखें तो खड़ी लाइन दिख रही है। ये लाइन है इट्सेल्फ शो करती है कि व्यक्ति जीवन के अंत तक अच्छा खासा समृद्ध बनेगा, तो ये बेस्ट साइन है। बुध पर्वत अच्छा है, स्पष्ट वक्ता होते, दिखने में सुंदर होते और बोली भी इनकी अच्छी रहती है और बिजनेस के अच्छे खासे गुण, इस तरह की रेखाएं जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में रहता है। सूर्य पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं, 1, 2, 3, ये जब ज़्यादा रेखाएं होती है तो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, पर स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है। बेसिक सफलता व्यक्ति को इजीली प्राप्त होती है जब आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं होती। एक शुक्र वलय भी बना हुआ है, अब इसको क्लोजअप में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये कंप्लीट है, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है, और बहुत बार यहाँ से रेखा निकल कर इस तरह से जाती है तो दोनों लाभ मिलते हैं। एक तो ऐसे लोग बचपन में शुक्र वलय वाले लोग, अगर ये कंप्लीट होता है तो जैसे ही जन्म लेते और बचपन से ही हो तो परिवार संपन्न बनता है, और जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता है वहाँ पर ये लोग लाखों और अच्छा पाम रहा तो करोड़ों कमाते। ये रेखा हम क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये रेखा भी होती है तो ये भी बहुत उत्तम योग है, सूर्य से गुरु तरफ जाती हुई रेखा, तो ये भी अच्छी खासी समृद्धि दिलाती है, प्लस एक स्टेटस भी दिलाती है व्यक्ति के जीवन में। इसको हम क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है पर 2 है। बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति भी ज़्यादा करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ कर काम करेंगे। पर जब 2 रेखाएं होती है तो व्यक्ति को अपने उस ज्ञान पर घमंड भी रहता है। थोड़ा सा पार्ट ये उभार है तो सुबह उठने में व्यक्ति को थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, और ये एक रेखा तो पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो ये भविष्य में चाहे तो एक रेखा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं अपने जीवन में, और विदेश से धन प्राप्ति के भी योग इनके जीवन में दिख रहे हैं। और चंद्र पर्वत अच्छा है और यहाँ पर भी एक रेखा है, तो इनका कभी ना कभी विदेश सेटलमेंट मुझे पक्का लग रहा है जीवन में। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे तक ये धन कमाते रहेंगे। गुरु पर्वत ये पार्ट थोड़ा सा उभार है, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में डिस्टर्ब करती है।
इसका उपाय मैं दे दूंगा इनको। और गुरु पर्वत ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा व्यवस्थित है, एकदम कमज़ोर भी नहीं कह सकते और एकदम ख़राब भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये ट्रायंगल भी बहुत अच्छा रोल व्यक्ति के जीवन में निभाता है, चाहे छोटा हो तो भी। गुरु पर्वत पर ट्रायंगल का मतलब है व्यक्ति संपन्नता पाएगा और स्टेटस भी पाएगा, व्यक्ति को सरकारी लाभ पॉलिटिकल लाभ भी कमा सकता है, और ये लाभ न भी मिले तो भी व्यक्ति अच्छा खासा उन्नति पाता है जुपिटर पर अगर ट्रायंगल है तो। सेकंड चीज, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ पर भी कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरह की रेखा जब किसी के हाथ में होती है तो कंटिन्यू प्रोग्रेस होता है, एक रेखा और छोटी छोटी दो तीन रेखाएं, तो बीच बीच में मल्टीपल इनकम के सोर्स भी इनके पास दो चार साल के लिए, कोई पाँच साल के लिए डेवलप होता रहेगा। और ये रेखा भी व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी जैसे जो साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट दिलाती है। और ये जब ज़्यादा रेखाएं होती है तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जाता है। अब चलते हैं अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शरीर की एनर्जी व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है, बाहरी मंगल उससे भी अच्छा है, ऐसे लोग हिम्मती होते हैं। प्लस संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। सबसे अच्छी चीज़ है ये चंद्र पर्वत, इस तरह का चंद्र पर्वत किसी के हाथ में हो तो 100% विदेश से संबंध आता ही है किसी न किसी रूप से, और ये लोग चाहे तो विदेश में भी सेटल हो सकते, इतना अच्छा चंद्र पर्वत। इनको पानी बहुत अच्छा लगता होगा, जिनके इस तरह के चंद्र पर्वत होते हो उनको पानी पीना भी अच्छा लगता है, यानी उनको पानी में भी टेस्ट आता है। ये भी मैंने कई लोगों को, जब जो व्यक्ति ऑफिस में आता है उनसे मैं बात पूछता हूँ कि आपको पानी का भी टेस्ट आता है, तो वो कहते हैं यस आता है। मिल्स से बनी चीज़ें भाती है इनको अच्छी अच्छी, ये जब पैसा कमाते हैं तो इनके घर के फर्नीचर ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं। निर्णय शक्ति अच्छी होती है और वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं ये लोग, तो ये सारा एडवांटेज इस चंद्र पर्वत से मिलता है। दूसरा एडवांटेज है इनके हाथ में ये बनने वाली मनी ट्रायंगल। जब आपके हाथ में इस तरह का मनी ट्रायंगल हो तो जीवन में इनकम के स्रोत अच्छे खासे बनते और अच्छी खासी सफलता मिलती है। यहाँ पर देखें तो इनकी जो ये लाइन चल रही है, ये बहुत बार इस तरह की लाइन वाले व्यक्ति को नॉनस्टॉप होती है तो जीवन में देखा गया है ससुराल पक्ष का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है ऐसे लोगों को। और चंद्र पर्वत पर सारी यात्रा रेखा है ये सारी, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जीवन रेखा में से भी बहुत सारी रेखाएं यात्रा रेखाएं निकल रही है, तो ऐसे लोगों का विदेश में आना जाना या विदेश में सेटलमेंट क्लियर कट शो होता है। अगर आपके हाथ में इस तरह का शुक्र पर्वत है तो एक तो कामुक भावना आप में ज़्यादा रहेगी, गर्मी आपको पसंद नहीं आएगी, और कई लोगों को पसीना भी खूब आता पर ये सबके साथ लागू नहीं होता, पर गर्मी तो जरा भी पसंद नहीं आती। और ये लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और शुक्र पर्वत का अच्छा होना मीन्स ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा पैसे कमाते भी और खर्च भी ज़्यादा करते, तो ये सारा एडवांटेज इनको मिल रहा है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो शनि पर्वत के क्षेत्र से ही निकल रही है, और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये जब शनि क्षेत्र से शुरुआत होती है तो तीन ही तरह के लक्षण होते हैं, आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना वो सोचता है, सेकंड कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है व्यक्ति कभी कभी फिजिकल बनता है। ये तीन चीज़ें व्यक्ति के जीवन में रहती है। सेम माइंड लाइन देखें तो काफ़ी सुंदर है, और पूरी जुपिटर के पास से शुरू होकर ये सीधी चलकर यहाँ चल रही है, और एक लाइन यहाँ पर भी आई है।
तो दो फोक भी बन रहा है, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय शक्ति होती है, स्पीड में निर्णय करते हैं, और माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, तो बुद्धि प्रतिभा अच्छी होती है, बुद्धि के बल पर व्यक्ति अच्छा विकास करता है और अच्छा ज्ञान भी लेता है, तो ये बहुत अच्छी माइंड लाइन है इनके पास, और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, तो रिलैक्स वाला जीवन, बिना झंझटों वाला जीवन जिएंगे, और इनकी माइंड लाइन यहाँ से डबल हो रही है, और ये पीरियड होगा उम्र का लगभग 48 के आसपास, 48 के आसपास इनका कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। ऐसे लोग पहले के ज़माने में पत्राचार या कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते थे, पर आज पत्राचार का ज़माना गया, अब मेल है या मेल का जवाब देना, लिखने के कार्य में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं, इनकी लिखावट भी अच्छी होती है, और कम्युनिकेशन तो बेस्ट होता है इनका, और ये जब एक्टिवेट होगी लगभग 48 के आसपास से ये जब एक्टिवेट होगी, उस समय इनका विकास भी कई गुना बढ़ जाएगा जीवन में, जीवन रेखा भी काफ़ी उत्तम है। और ये देखिए यहाँ पर, अब क्लोजअप का ही सहारा लेते हैं इनके, काफ़ी क्लियर है इनका क्लोजअप, ये उम्र 26 के आसपास एक राहु रेखा ने कट किया, और उसके बाद बहुत बड़ा ऑफशूट इनके हाथ में गया, तो यहाँ पर इनको 28 के आसपास बहुत बड़ी सफलता भी हाथ में आई होगी। उसके बाद अगर इनकी राहु रेखा का पीरियड देखें तो 34 के आसपास एक राहु रेखा, एक राहु रेखा 39 के आसपास है, एक राहु रेखा 44 के आसपास है, एक राहु रेखा 46 के आसपास है, एक राहु रेखा 54 के आसपास है, और एक 64 के आस पर। राहु रेखा ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके कारण कोई टेंस लेने की आवश्यकता है, काफ़ी स्मूथ है, और इनकी यात्रा रेखा यह है, एक 46 के आसपास यात्रा रेखा है, एक 55 के आसपास है, और एक 62 के आसपास है, इतनी यात्रा रेखा है। इस पीरियड में भी इनके जीवन में यात्रा होगी, और ये रेखा बार बार यात्रा भी कराती, पर पर्टिकुलर एज में भी यात्रा आपको जीवन में रहेगी। ऑफशूट है एक 28 के आसपास, बहुत बड़ा ऑफशूट, यहाँ पर बहुत ट्रिमेंडस कोई ग्रोथ मिला होगा इनको जीवन में, और उसके बाद एक ऑफशूट इनके 44 के आसपास है, और एक ऑफशूट यहाँ पर भी है, ये लगभग पीरियड होगा 62 के आसपास, इतने ऑफशूट जीवन में, और ये ट्रायंगल भी जब बनता है इस तरह के, तो ये भी प्रॉपर्टियाँ दिलाते, तो जीवन में प्रॉपर्टियाँ भी इनके आती रहेगी। अब जो वर्तमान समय में देखें, ये फेट लाइन चली, और यहाँ आकर ये कमज़ोर पड़ती जा रही है, और उस पर दुनिया भर के हमले हो रहे, और ये रुक गई यहाँ पर, ये उम्र होगी लगभग 29 के आसपास, एक लाइन यहाँ से 27-28 के आसपास प्रारंभ हो रही है, और उस पर भी खर्च का पैमाना दिख रहा है। जब आपकी फेट लाइन कमज़ोर होती तो इस तरह की चीज़ देखती है, और सेम यहाँ पर भी देखे तो एक लाइन और चालू हुई, ये लगभग 40 तक ये लाइन चलेगी, 39-40 तक, एक लाइन यहाँ पर 36 के आसपास से भी स्टार्ट हो रही है, तो ये मल्टीपल इनकम करते रहेंगे, और जो मैंने बताया था कोई इनकम 4 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, या कोई 8 साल के लिए, सेम यहाँ से देखे तो ये लाइन प्रारंभ हुई, और ये 37 के आसपास बदलाव आएगा वापस थोड़ा सा, और ये आगे बढ़कर यहाँ स्टॉप हो रही है, और यहाँ से एक और निकल कर आगे बढ़ रही है, तो कमाई के माध्यम में बार बार बदलाव आएगा, और एक अच्छी सी फेट लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, पर उस पर बहुत सारी लाइनें कट कर रही है, पर यही लाइन 50 के आसपास से काफ़ी स्ट्रांग होकर आगे बढ़ेगी। एक लाइन ऐसी है जो आया जैसा काम या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाती है, और बहुत बार ये काम भी नहीं देती, ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये कंटिन्यू चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जीवन के किसी न किसी मोड़ पर विदेश में सेटल हो जाएंगे,
क्योंकि ये रेखा तो कंप्लीट विदेश से धन प्राप्ति की रेखा ही है और बहुत बार ये रेखा भी इस तरह का कार्य कराती है। और एक रेखा यहाँ से निकली और इसमें विलीन हो गई और ये एक शुक्र वलय यहाँ से निकला और ऐसा चला, ये देखिए। और ये रेखा जब विलीन होकर ये भी इस तरह का रूप ले लेती है, तो ऐसे लोग भी सुपर सक्सेसफुल होते हैं, कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पर पहुँचते। हाँ, पर वर्तमान समय इनके लिए अच्छा नहीं है। खर्च का पैमाना, बार बार बाधाएं आने वाली रेखाएं, पर फिर भी उठा पटक करके मनी ट्रायंगल अच्छा खासा है तो वेल्थ तो जमा कर ही लेंगे। और ये क्रॉस बनता है, ये भी अचानक धन लाभ की ओर इशारा करता है। पर व्यवसाय में और कमाई के माध्यम में बार बार बदलाव जरूर आएगा इनके जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।